सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम ICT के अंदर टॉपिक करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ICT एंड रोल ऑफ ICT इन हायर एजुकेशन। दोस्तों 2016 से लेकर जुलाई 2019 तक डेफिनेशन में से बहुत से क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो डेफिनेशन से आए हैं और उसके बारे में हम पूरी वीडियो करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ICT की डेफिनेशन से आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये दोस्तों ये सबसे पहले हमारा जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में पूरे डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे, जब ये पूरा टॉपिक कर लेंगे तब इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जनवरी 2017 के अंदर ICT के बारे में दोबारा ये क्वेश्चन आया था। और फिर आप देख सकते हैं ये जुलाई 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था ICT के बारे में, इन्होंने पूछ लिया। और उसके बाद देखिए ये जून 2019 के अंदर भी ICT के बारे में से क्वेश्चन आया है इसकी डेफिनेशन से। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो डेफिनेशन है ICT की वो हमारे लिए करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि ICT क्या होती है, इसका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले ICT में बात की जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसकी फुल फॉर्म यहाँ इन क्वेश्चन में पूछी हुई है। मैं आपको वो दिखाऊंगा कैसे पूछी हुई है जब हम ये पूरा टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ICT की फुल फॉर्म क्या होती है। ICT की फुल फॉर्म है दोस्तों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है। और एग्ज़ाम के अंदर हमें घुमा फिरा के देंगे, इंफॉर्मेशन की जगह हो सकता है इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और इसको हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसका अब हम मतलब समझ लेते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को उपकरणों और संसाधनों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, बुद्धिमत्ता, भवन प्रबंध प्रणाली, प्रसारण मीडिया आदि को संभालने के लिए उपयोग किया जाने वाली किसी भी संचार उपकरण और एप्लीकेशन शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों ICT का मैं थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन का मतलब है किसी को सूचनाएं देना किसी, और जैसे मास लेवल पे हम TV के ऊपर किसी को सूचनाएं देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने रात 12 बजे नोटबंदी की सूचना दी थी, तो वो होता है मास कम्युनिकेशन, यानी कि मास इंफॉर्मेशन देना। और कम्युनिकेशन होता है जैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, जैसे हम फ़ोन के ऊपर बात करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं ICT कहते हैं। और ये जो ICT है हमारे दोस्तों ये हर जगह पे यूज हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा ना भवन प्रबंध प्रणाली, यानी कि जो भवन निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर भी हो सकता है, पढ़ाई के अंदर भी हो सकता है, और अपने और अलग अलग तरह के काम होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं, तो ICT का यूज़ कहीं भी कैसे भी हो सकता है। ICT को हम किसी एक दायरे में बांध कर नहीं रख सकते। और इसने यहाँ पे एक चीज़ और दी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ICT को किसी विशेष तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। एक दायरे में रख के परिभाषित नहीं कर सकते हम ICT को, क्योंकि ICT में शामिल तरीके और एप्लीकेशन दिन प्रतिदिन डेवलप होते रहते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि आज के टाइम में क्या है, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसका जो ICT का दायरा
वो बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। और अभी धीरे धीरे क्या चीज़ आ रही है अपने पास, AI आ रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रही है। जैसे आपने TV में देखा होगा, कई बार ऐड देखते हैं, कोई बोलता है कि मेरे लिए ये गाना चलाओ, वो गाना चलाओ, उनके बोलने मात्र से ही TV के अंदर वो गाना चलने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। और AI का जो यूज़ है दोस्तों, वो हर दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ICT है उसको हम किसी एक दायरे में बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन एक इसका जो कॉमन मतलब है, इसका कॉमन मतलब वो यही होता है, इन्फॉर्मेशन देना और कम्युनिकेशन करना होता है। तो मेरे को लगता है कि आप यहाँ से कुछ हद तक समझ पाए होंगे ICT को। और देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का यानी कि ICT का क्या महत्व है, महत्व आप जैसे मैंने आपको बता दिया कि हर चीज़ के अंदर इसका महत्व है। सर्विस इकोनॉमी यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक तंत्र है उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, यानी कि हमारा जो समाज का ढांचा है, आर्थिक ढांचा जो है, उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और उसके बाद में जैसे और भी काफ़ी तरह की चीज़ें, जैसे पिछड़े देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसकी बहुत भूमिका है। और उसके बाद में जैसे कि गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता को दूर किया जा सकता है, यानी कि कोई अगर स्टूडेंट है वो अच्छे से कंप्यूटर चलाना सीख लेता है तो क्या है कि उसके रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं, उनकी जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट बढ़ती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ICT है, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि सूचना तकनीक से प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता आती है, यानी कि जो हमारे भ्रष्टाचार वगैरह है वो बहुत कम होने की संभावना है। पहले क्या होता था, जैसे कि हमने कोई भी किसी भी कार्यालय में जाके कोई काम करवाया है तो उसको हमें मैन्युअली रसीद दी जाती थी, पर्ची देते थे, और बहुत बार ऐसा होता था हम काम करवा लेते थे लेकिन हमें कोई भी रसीद नहीं दी जाती थी और वो पैसे अधिकारी अपने पास रख लेते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं, आप कोई भी काम करवाते तो उसके आपको या तो डिजिटल या फिर प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता, आपके पास एक प्रूफ होता है आपके काम करवाने का। तो इस तरह से भ्रष्टाचार में काफ़ी हद तक इसमें कमी आई है। और एक और चीज़ जैसे कि आज के टाइम में बहुत अच्छा हुआ है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म हम बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं, वो चाहे किसी का भी हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे बहुत से जो काम है हमारे ऑनलाइन होने लग गए हैं। और आजकल जैसे ऑनलाइन पेमेंट है, पेमेंट आप घर बैठे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे हमें बैंक में जाना होता था। तो यहाँ से इन सभी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ICT का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व है। और आगे देखते हैं दोस्तों, ICT का उच्च शिक्षा में ICT की भूमिका, रोल ऑफ ICT इन हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन के अंदर दोस्तों ICT का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब जैसे हमने एक रिसर्च की क्लास की थी, उसके अंदर हमने बताया था कि रिसर्च के अंदर जो हम थीसिस वगैरह लिखते हैं तो उनकी काफ़ी तरह की वेबसाइट बनाई हुई है, शोध गंगा बनाई हुई है, और प्लैगरिज्म चेक करने के टूल बनाए हुए हैं, वहाँ से हम बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारी जो थीसिस है, जो हमने PhD लिखी है, वो गलत तो नहीं है, उसमें प्लैगरिज्म तो नहीं है, है तो कितनी है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों, पहले प्लैगरिज्म चेक करने के लिए मैनुअल तरीका अपनाया जाता था और वो जो प्रोसेस थी वो बहुत लंबी होती थी और उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। तो इस तरीके से जो ICT का है, हायर एजुकेशन के अंदर बहुत योगदान है। और जैसे और मैं इसमें आपको बताऊं, जैसे कि हम ई बुक की बात करें, जैसे कि इग्नू में अगर किसी ने एडमिशन लिया है और उसकी बुक्स नहीं आ रही है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त है तो उनकी 8-8 महीने तक बुक नहीं आती, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर पे जाए और एक दिन के अंदर सारी की सारी बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएँ किससे मिल रही है, ये ICT से हमें मिल रही है। अगर ICT नहीं होती तो बुक का वेट करते रहिए आपका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। और ICT का जो हमारी हायर एजुकेशन है दोस्तों, उसके अंदर बहुत रोल है, अनगिनत रोल है। क्या 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 बताएं आपको हम। और देखिए इसके अंदर और जैसे कि मैं बताऊं, जैसे
आजकल हम क्या है कि जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म हम 1 घंटे के अंदर बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं और उसी टाइम देख सकते हैं कि हमारे इसमें क्या गलती है। अगर कोई गलती होती है तो हम फोटो करेक्शन वगैरह या जो भी साइन हमारा गलत हो गया है तो वो दोबारा अपलोड कर सकते हैं, हमें एक मौका दिया जाता है। लेकिन ऑफलाइन तरीके के अंदर ऐसा नहीं होता था। अगर हमने एक बार फॉर्म भर दिया, अगर वो गलत है तो वो गलत है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ICT का हमारी हायर एजुकेशन के अंदर क्या योगदान है। और यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, यही बातें मैंने आपको इसके अंदर बताई है। ये आप पढ़ना चाहे तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और भी कई चीज़ें इसके अंदर दी गई है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बोल के बता दी है, यहाँ पे रिटर्न में है, आप पढ़ लेना इनको पढ़ना चाहे तो। और देखिए ICT का हायर एजुकेशन, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गई ये चीज़। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आए थे इन क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आया था हमारा जुलाई 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि यह कथन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन या प्रबंध, विशेष सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। अब देखिए ये आपको हिंदी में समझ में नहीं आई बात, ठीक है, इसीलिए हमने इंग्लिश में भी यहाँ पे इसको लिखा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि UGC नेट क्लियर करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, उसे हम क्या कहेंगे? तो ये बताइए दोस्तों, उसे हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कहेंगे, इन्फॉर्मेशन एंड कोलोबरेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे, और या फिर क्या कहेंगे दोस्तों इनमें से? तो इनमें से जो ऑप्शन ए है दोस्तों ये आएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि क्रियान्वयन, प्रबंध, योजना, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, तो उन हार्डवेयर का प्रयोग करना, तो इन सभी चीज़ों को क्या कहेंगे? सूचना प्रौद्योगिकी कहेंगे। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़िए। अब देखिए ये भी सबसे पहले हिंदी में पढ़ लेते फिर इंग्लिश में पढ़ लेंगे इसको। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इन्होंने क्या कहा है, ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का समुच्चय माना जाता है। सबसे पहली बात कि जो ICT है वो IT का एक पार्ट है, ये इन्होंने कहा है, पहली बात। दूसरी बात समझते हैं, सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है। चलिए हमने ये दोनों बात यहाँ पे पढ़ ली। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अच्छे से ही समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इज कंसर्न्ड एज ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये हमें बताना है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, अब ये बताइए। अब देखिए इन्होंने जो आंसर दिया है, आंसर टू दिया है, नाइदर ए और नाइदर टू, यानी कि एक और दो में से कौन सा भी सही नहीं है। अब ये देखिए इसके अंदर सबसे पहले ये आती है कि ICT जो है IT का एक सबसेट है, तो दोस्तों ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि IT जो है, IT एक बहुत बड़ा लेवल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों के दोनों अलग फील्ड है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज ए कॉपीराइट, अब किसी सॉफ्टवेयर के एक पीस का यूज़ करना वो कॉपीराइट के अंदर आता है? नहीं दोस्तों, जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो कॉपीराइट के अंदर आता है, उसका एक जो पार्ट है। अब देखिए जो हमारे फोटोशॉप लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, जैसे MS ऑफिस लगा लेते हैं, MS ऑफिस में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका स्टाइल जो है वो हमने कॉपी कर लिया, तो वो उसके अंदर कॉपीराइट के अंदर नहीं आता, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसके अंदर कॉपीराइट के अंदर आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर टू होगा, नाइदर ए और नॉर टू, ठीक।
आगे दोस्तों हमारे पास जुलाई 2018 का क्वेश्चन, आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे वही बात आ गई, आईसीटी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। अब ये बताइए आईसीटी जो है उसकी फुल फॉर्म इन्होंने दी है इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी दी है, तो ये तो मेरे को लगता है बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। आप बताना क्या है इसका आंसर। और ये देखिए आगे इन्होंने दिया है क्यू, आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्राविधिक सम्मिलित है जिनके अंतर्गत सर्वे दृश्य दूरभाषा और कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा समायोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा केवल क्यू होगा, क्योंकि पहला तो हमने देख लिया कि ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब होता है आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, और तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्यू होगा, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर ऑडियो विजुअल और दूरभाषा कंप्यूटर गणनाएं जो होते हैं उन सभी का समायोजन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते कि कितना आसान हो जाता है एक क्वेश्चन हमारे लिए करना अगर हम उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने देखा है जब भी कथन अभिकथन के क्वेश्चन आते तो वो बस उनका दिमाग घूम जाता है, पता नहीं है कैसा क्या क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट आप एक बार उसे पढ़ के ज़रूर देखिए उसने उसमें क्या दिया हुआ है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, ये जून 2019 के अंदर आया था। इन्होंने इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ आईसीटी, आईसीटी के बारे में कौन सी बात सही है। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले कहा है कि आईसीटी इज एक्रोनिमस दैट स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कंपिटेटिव टेक्नोलॉजी। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बात कही थी ना कि इन जो हमारे फुल फॉर्म है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने आईसीटी का मतलब दिया इंफॉर्मेशन एंड कम्पिटेटिव टेक्नोलॉजी दी है। तो आप बताइए क्या आईसीटी का मतलब ये है, क्या आईसीटी की फुल फॉर्म ये है? नहीं, बिल्कुल गलत, इसका जो पी है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। और आगे इन्होंने दिया है द इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ आईसीटी टू सपोर्ट लर्निंग इन द इंक्लूसिव एजुकेशन एग्जाम्पलीफाई गुड टीचिंग फॉर आर ऑल लर्नर। तो दोस्तों ये जो इसका क्यू है ये इसका बिल्कुल सही है कि आईसीटी का जो यूज़ है वो हम इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए और बच्चों को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इसका क्यू जो है अभिकथन ये इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर टू क्यू ओनली ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान है हमारे लिए आईसीटी करना, और इस तरीके से हम जब एमसीक्यू करते हैं तो कितना मज़ा आता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो रियल में अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके कि हम कितनी आसानी से अपना यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सके। थैंक यू दोस्तों।